Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear Shuna, Assalamu Alaikum. This is Ms. Bahullah, lecturer, mathematics, GCMS, Temargara. Subject is Quantitative Techniques in Commerce. Chapter is Differential Calculus for the semester of BS Commerce, second semester. Lecture number 11, Exercise Question. So, humne jo Differential Calculus ka pehla hissa tha, wo humne jo hai taqreeban wind up kar liya hai, theek hai. उसमें हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा, डेरिवेटिव की फिर जो बेसिक डिफिनीशन था, उसके बाद उसके रूल्स थे, सम रूल, प्रॉड रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, और लास्ट में उसमें हम जो उस पर जो है हमने मार्जिनल एनालिसिस और उस पर जो है कॉमर्स की क्वेश्चन मतलब ट्राई की कि मार्जिनल एनालिसिस या मार्जिनल कास्ट या मार्जिनल प्रॉफिट हम किस तरह मालूम करेंगे, तो उस पर भी हमने एक एग्ज़ाम्पल किया, ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के बारे में. तो एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन जो है वो तो पहले ही एग्जांपल से हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं हर एक पार्ट से तकरीबन एक या दो क्वेश्चन ट्राई कर लूँगा. तो बाकी जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे एक्सरसाइज में, तो आप लोग खुद उसको ट्राई कर लो, और कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. तो एक्सरसाइज नंबर फैक्टर सेट 14A, उसमें बेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहते हैं कि यूजिंग द बेसिक डिफिनीशन फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ ए इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस टू ए एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए. तो ये चार पार्ट्स उन्होंने दिए है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और इन तमाम के जो है डेरिवेटिव फाइंड करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव यूजिंग द बेसिक डिफिनीशन. तो इसमें मैं सिर्फ ये पार्ट बी और पार्ट सी करूँगा, बाकी पार्ट ए जो है वो भी ईजी है और पार्ट डी भी ईजी है. आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है इसी तरीके से, ठीक है. तो बेसिक डिफिनीशन यूज़ करने का तरीक़ाकार पहले से हमने एग्जांपल इस पर की है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. मैंने पार्ट बी उठाया, ठीक है, पार्ट बी को सॉल्व करेंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. सो एक्स की जगह हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे इस साइड पे भी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जो है एक्स के जगह हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे, तो ये ए इन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस इस एक्स की जगह भी हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे, ठीक है. अच्छा, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो ए इन टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला है, आप लोगों ने बेसिक अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर को हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स, और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपनी जगह पर. ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट से पहले जो है प्लस है, तो प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो कि वापस यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए टू ए एक्स डेल्टा एक्स. ए मल्टीप्लाई होगा तो टू, मैंने पहले लिखा है टू ए एक्स डेल्टा एक्स, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपनी जगह पर. अगर इसमें अभी लाइक टर्म्स है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह हो सकता है तो कीजिए, अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, देखिए इसी तरह इसको छोड़ लो. अभी आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव जो है वो असल में बराबर होती है डिफिनीशन की मदद से, किस तरह लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ओवर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. तो अब सिंपल है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है आप लोगों ने फाइंड किया है वो ये है, ठीक है. तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन पुट करना है यहाँ पर, और एफ ऑफ एक्स की जगह जो है आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन पुट करना है, ठीक है. फिर आगे जो है इसको हमने सॉल्व करना है. सो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम अबव, अबव वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस ए डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हमने पुट किया, और एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पुट किया, डेल्टा एक्स अपनी जगह पर और लिमिट भी अपनी जगह पर, ठीक है. नेक्स्ट हमने जो है ब्रिकेट जो है उसको सॉल्व किया, तो ये ब्रिकेट जो है इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इसके सामने जो है ये भी यहाँ पर भी प्लस है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लिया, और यहाँ पर माइनस जो है निगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये निगेटिव ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी नेगेटिव एक्स बन जाएगा, ठीक है. तो ये थोड़ा हमने जो है ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व किए, ठीक है, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया. अच्छा, नेक्स्ट अभी अगर आप लोग देख ले गौर से, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो है प्लस एक्स और माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स और माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी, हमारे साथ रह जाएगा ए डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स,
ठीक है. नाउ टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स फ्रॉम द अबव न्यूमरेटर फ्रॉम ईच टर्म. सो जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर वी विल लेफ्ट विद ए डेल्टा एक्स. यहाँ पर एक डेल्टा एक्स कॉमन हो जाएगा, एक डेल्टा एक्स रह जाएगा. यहाँ पर जो है डेल्टा एक्स कॉमन होकर टू ए एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन होकर वन रह जाएगा. याद रखिए, जब किसी टर्म से हम कॉमन लेते हैं और उसमें सिर्फ वही जो कॉमन लेते हैं सिर्फ वही टर्म होता है, वही चीज़ होता है, तो वहाँ पर वन रह जाएगा. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग डेल्टा एक्स कॉमन लोगे और यहाँ पर कुछ भी ना लिखो. तो कॉमन लेने में आप लोगों ने वहाँ पर वन लिखना है. ठीक है, अच्छा, अभी ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. हमारे साथ रह जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ओवर ए डेल्टा एक्स प्लस टू ए एक्स प्लस वन. ठीक है, अभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे. ये लिमिट हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पर भी, लेकिन बाज जगहों पर अनडिटरमाइंड फॉर्म हमारे साथ आता है तो हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, उसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हम लिमिट फुट करेंगे. तो अभी ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अभी लिमिट फुट करने से जो है कोई मसला नहीं आएगा. तो लिमिट फुट करने से लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मीन्स डेल्टा एक्स की जगह हम जीरो फुट करेंगे. तो यहाँ पर जीरो फुट होकर ये टर्म जीरो हो जाएगा, और टू एक्स यहाँ पर डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो ये अपनी जगह पर प्लस वन अपनी जगह पर, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो पुट किया हमने. लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर बन जाएगा टू ए एक्स प्लस वन, टू ए एक्स प्लस वन. तो ये जो है इस फंक्शन की डेरिवेटिव हमने फाइंड की. ठीक है, इस फंक्शन की हमने डेरिवेटिव फाइंड की, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है इसका डेरिवेटिव हमारे साथ क्या है, इसका डेरिवेटिव हमारे साथ जो है वो 2ax प्लस 1 आया. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे इससे दूसरा पार्ट, इससे सी वाला पार्ट जो है हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस टू ए एक्स स्क्वेयर. अगेन इसी तरह जो है हमने इसको एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू ए एक्स स्क्वेयर. नाउ फुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब बन जाएगा. यहाँ पर टू ए अपनी जगह पर और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स और होल स्क्वेयर बन जाएगा. सिंपली हमने एक्स की जगह जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट किया है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इस क्यूब को जो है हम एक्सपेंड करेंगे, तो यही फार्मूला भी आप लोगों ने मेमोराइज करना है और आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये आप लोगों ने किया है सेमेस्टर वन में. सो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है. तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए मीन्स थ्री एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स. ठीक है, इसी तरह टू ए अपनी जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर को हम जो है फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, अभी इसको जो है हमने एज इट इज लिख लिया और प्लस टू ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस टू ए इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस टू ए डेल्टा एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर प्लस टू ए एक्स डेल्टा एक्स बन जाएगा. ठीक है, तो ये जो है हमने इसमें पुट किए वैल्यूज. तो ये मल्टीप्लाई होके 2a जो है एक्स स्क्वायर और डेल्टा एक्स स्क्वायर इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे आएगा 2x स्क्वायर 2a डेल्टा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2a जो है 2x डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके 4ax डेल्टा एक्स बन जाएगा. ठीक है, नाउ एज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय दिस फार्मूला लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. ठीक है, नाउ फुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द अबव, तो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये वैल्यू पुट की और एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, फिर जो है ये ए एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और सिमिलरली टू ए एक्स स्क्वायर और माइनस टू ए एक्स स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे साथ रह जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब थ्री एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स टू एक्स टू ए डेल्टा एक्स स्क्वायर और फोर ए एक्स डेल्टा एक्स. ठीक है, फिर हम जो है इन जो है तमाम टर्म्स से न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे डेल्टा एक्स, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो डेल्टा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स रह जाएगा, यहाँ पर जो है थ्री एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर टू ए और एक डेल्टा एक्स रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ फोर ए एक्स रह जाएगा. ठीक है, नाउ डेल्टा एक्स विल कैंसिल विद डेल्टा एक्स एंड वी विल लेफ्ट विद डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डेल्टा एक्स और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा एक्स एंड प्लस फोर ए एक्स. नाउ फुटिंग द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, सो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें भी डेल्टा एक्स है, ये वाला टर्म थ्री एक्स स्क्वायर रह जाएगा और ये टू ए डेल्टा एक्स ये टर्म भी जीरो हो जाएगा और फिर ये टर्म जो है फोर ए एक्स रह जाएगा. तो वही तमाम टर्म जिसमें डेल्टा एक्स मौजूद है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो अप्लाई करने से वही तमाम टर्म जो है जीरो हो जाएंगे और हमारे साथ रह जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स. तो ये डेरिवेटिव है किस फंक्शन की जो हमें दिया गया था,
पार्ट सी वाला कि x क्यूब प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप डायरेक्टली फाइंड करें तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 और 4 ax, तो इसकी डेरिवेटिव बन जाती है. ठीक है, तो हमने बाय बेसिक डिफिनीशन हमने इसकी डेरिवेटिव फाइंड की. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. अब पार्ट फर्स्ट में जो बाकी दो पार्ट रहते हैं वो आप लोग खुद ट्राई कर लो. ठीक है, सिंपल यही बेसिक डिफिनीशन यूज़ करके उसका जो है आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. अभी हम करेंगे पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में फिर चार पार्ट्स है ए बी सी डी, फिर हर एक पार्ट में तकरीबन 3 या 4 6 वगैरह पार्ट्स है, उससे मैंने सिर्फ ये वाला उठाया है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए जो है, पार्ट ए में फिर मैंने पार्ट 6 उठाया है. ठीक है, पार्ट 6 जो है हम उस पर उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो इसमें कहते हैं कि बस डी वाई बाई डी एक्स जो है आप लोगों ने फाइंड करना है. ठीक है, चाहे सम रूल यूज़ करना हो, चाहे प्रॉडक्ट, चाहे क्वेश्चन, मतलब वो बेसिक डिफिनीशन पर ना जाए. अभी बेसिक डिफिनीशन पर जो है सिर्फ बस क्वेश्चन दिया गया था, अभी आप लोग डायरेक्टली पावर रूल या जो प्रोडक्ट रूल या चेन रूल वगैरह यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने अभी जो है ये फंक्शन लेना है और इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करनी है. सो टेकिंग द फंक्शन एंड अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ एंड साइड, सो दिस डेरिवेटिव विल अप्लाई टू ईच टर्म बाय सम रूल. तो सो ये डेरिवेटिव हम इस टर्म पर भी अप्लाई करेंगे, तो 1/3 अपनी जगह पर, और एक्स क्यूब का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3 फ्रंट पे आ जाएगा और 3 से 1 सबट्रैक्ट होकर 2 रह जाएगा. तो ये 3x स्क्वायर इसके डेरिवेटिव, यहां पर 1/2 अपनी जगह पर और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2 अप फ्रंट पे आ जाएगा और 2 से 1 सबट्रैक्ट करके एक्स पावर 1 रह जाएगा. और प्लस एक्स, एक्स की डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि एक्स की डेरिवेटिव 1 आती है. ठीक है, जिस भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के लिहाज से, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब दोनों सेम हो जाते हैं डेरिवेटिव आप मालूम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो 0 आती है. ठीक है, नाउ 3 विद विल कैंसिल विद 3, 3 1 3 3 1 3, सो एक्स स्क्वायर रह जाएगा. यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल होगी, सिर्फ एक्स रह जाएगा, पावर 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर प्लस 1. तो ये इसकी डेरिवेटिव हमने फाइंड की. तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए जो है, पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन है वो सम रूल की मदद से आप लोग कर सकते हैं. मतलब बिल्कुल ईजी है, जस्ट अप्लाइंग द डेरिवेटिव टू ईच टर्म एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी जो है उसमें जितने भी फंक्शंस दिए गए वो असल में प्रोडक्ट में है, तो हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करने हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट बी में फिर मैंने पार्ट 3 जो है वो लिखा है, उसको हम सॉल्व करेंगे. y इज इक्वल टू 3x² - 2x + 1, x² + 3x + 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करनी है. तो राइटिंग द फंक्शन एज इट इज एंड अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ हैंड साइड, सो dy/dx इज इक्वल dy/dx ऑफ दिस फंक्शन. So the function is in product, product of two function. So product of rule, product rule हम use करते हैं. तो किस तरह use करते हैं, हम इस function को इस तरह as it is लिखेंगे और इस function का derivative लेंगे, फिर plus जिस function का derivative लिया है वो as it is लिखेंगे, और फिर first function का derivative लेंगे, मतलब जितने भी function product में हो उसका बारी बारी हम derivative लेंगे और बाकी को छोड़ेंगे. तो यहाँ पर दो function product में थे, तो एक function को हमने छोड़ दिया और दूसरे का derivative लिया. अब से अभी किसकी बारी है, जो जिस फंक्शन को हमने छोड़ा था उसकी बारी है, उसका जो है हम डेरिवेटिव लेंगे और ये दूसरा फंक्शन जो है हम उसको छोड़ेंगे एज इट इज़. नाउ ये अपने जगह पर 3x² - 2x + 1, और इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये 2 प्रांट पे आके x पावर 2 से 1 सबट्रैक्ट होगी, तो ये 2x बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3x, सो x का डेरिवेटिव 1, सो 3 रह जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0. तो इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव 2x + 3 आता है, ये अपनी जगह पर ये एक्सप्रेशन. और सिमिलरली इसका डेरिवेटिव हम जब लेंगे तो 2 प्रांट पे आके 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 मीन्स x का डेरिवेटिव 1, तो -2 रह जाएगा और +1 का डेरिवेटिव 0. नाउ मल्टीप्लाइंग दीज टू एक्सप्रेशन वी विल गेट फ्रॉम 3 2 6 फ्रॉम हियर टू हियर, एंड मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स वी विल गेट द रिमेनिंग. सो 3x² - 2x इज इक्वल टू 6x³. सिमिलरली 3x² - 3 इज इक्वल टू 9x² एंड -2x - 2x इज इक्वल टू -4x² -2x - 3 इज इक्वल टू -6x +1 - 2x इज इक्वल टू +2x. एंड नाउ मल्टीप्लाइंग दीज टू, सो नाउ मल्टीप्लाइंग -2x - 2x एंड देन +1 - 3 विच इज इक्वल टू 3. ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई. अच्छा नाउ मल्टीप्लाइंग दिस एक्सप्रेशन, इसको दोबारा देख लो. देखिए 3x² - 2x इज इक्वल टू 6x³ एंड देन 3x² - 3 इज इक्वल टू 9x², नाउ -2x - 2x इज इक्वल टू -4x², नाउ -2x - 3 इज इक्वल टू -6x, नाउ +1 - 2x इज इक्वल टू 2x एंड +1 - 3 इज इक्वल टू +3. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस एक्सप्रेशन, सो x² - 6x इज इक्वल टू 6x³.
and then x square and 2, so minus 2x square. Now 3x into 6x is equal to 18x square, and 3x into minus 2 is equal to minus 6x, plus 2 into 6x is equal to plus 12x, and plus 2 into minus 2 is equal to minus 4. Now adding the like terms, so 6x cube will 6x cube and 6x cube is equal to 12x cube. Okay, 12x cube in dono ko add karenge. Now 9x square or minus 4x square is equal to 5x square. Now 5x square into minus 2x square is equal to 3x square. Ye se subtract ho jayega. Now 3x square and 18x square is equal to 21x square. And there is no other term like x square. So like terms are these. So humne jo hai sari x square ki jitni term hai uske addition ya subtraction agar ho sake to kar lo to usse aa jayega 21x square. Now like terms which contain x, this is minus 6x and this is plus 2x, so it becomes minus 4x, minus 4x or fir minus 6x, minus 10x or minus 10x or plus 12x, so plus 2x. Okay. Now constant term jo hai add karenge to ye plus 3 aur ye hai minus 4, to isse aa jayega minus 1. So ye derivative hai is function ki. ठीक है, बाकी एक्सरसाइज जो है इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पार्ट सी में जो है, पार्ट सी में आप लोगों ने क्वेश्चन रूल यूज करना है, और फिर उसके आगे पार्ट डी में जो है आप लोगों ने चेन रूल यूज करने हैं. ठीक है, चेन रूल या जो एक्सटेंडेड फॉर रूल मैंने उस पर क्वेश्चन किया था वो यूज करने है, तो वो खुद ट्राई कर लो. और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, सो वो भी डेरिवेटिव की मदद से हो सकते हैं, लेकिन उससे मैं एक्सप्रेशन करूंगा और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वाउंड अप हो जाएगा. बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो हमने एग्जांपल से किए हैं. ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम अपने जो है पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पार्ट में जाएंगे. वस्सलाम.